अब देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, फर्स्ट पॉइंट है 32.0 ग्राम ऑफ सल्फर, सेकंड पॉइंट है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर और थर्ड पॉइंट है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। वॉल्यूम है 1.8 ml एंड डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। ये किसके लिए दे रखा है? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये टोटली किस पर बेस्ड हैं? मोल कॉन्सेप्ट पर। मोल से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, रिलेशंस बताए हैं, उनसे इनको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं और उसके फर्स्ट पॉइंट में, तो 32.0 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके, हमें यहां पर सल्फर जो है, ये है सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है बच्चों? एटॉमिक मास होता है 32 होता है। और जो सल्फर है, सल्फर की जो मॉलिकुलर स्टेट है वो कितनी, क्या होती है मॉलिकुलर स्टेट? वो होती है S8। मींस एक एटम से एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन किया गया है आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहां पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो मोल्स ऑफ, हम यहां पर ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। तो मैंने आपको मोल में ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने का रिलेशन बताया था, समझ गए ना कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो भी एलिमेंट आपको दिया गया है उस एलिमेंट की कितना मास दिया है, क्या अमाउंट दी है, उसको किससे डिवाइड करना होता है बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास से। जब आप ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखें किससे डिवाइड करोगे आप? ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, तो हम ये देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सल्फर कितना है। ओके, और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है। तो देखो सल्फर का जो अमाउंट दे रखा है आपको क्वेश्चन में वो कितना है? 32 ग्राम। तो आपने लिखा 32.0। ओके, यही है। और ग्राम एटॉमिक मास मैंने अभी आपको बताया सल्फर का कितना होता है? 32। तो आपने लिख दिया 32.0, तो कितना आ गया? 1 मोल। मींस आपके पास सल्फर के ग्राम एटम्स कितने हैं? 1। अब हम पहले एटम्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। एटम्स कितने होंगे देखो, तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि ग्राम एटम्स इनटू क्या करते हैं? आपका आधार नंबर, ये करते हैं। तो ग्राम एटम ये है और आपका आधार नंबर मींस एन ए के बराबर है। तो आपके पास जो एटम्स कैलकुलेट हुए वो हो गए आपका आधार नंबर के बराबर। अब आपसे पूछा गया है कि इनके मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर। तो देखो आप मॉलिक्यूल्स में आ जाए तो आप देख रहे हैं कि 8 एटम्स इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, ये है ना कि S8 इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 8 एटम्स से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो हमारे पास है Na एटम्स, तो हम क्या लिखेंगे? 1/8, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स, मींस Na अपॉन क्या कर दोगे? 8। तो सल्फर के क्या कैलकुलेट हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, बस आपको रिलेशन आने चाहिए। ध्यान रखें मोल कॉन्सेप्ट में ये वाला जो पार्ट है, मोल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही है और आता है। आप कभी भी उठा के देखो 10 साल के क्वेश्चन, आप देखोगे कि मोल कॉन्सेप्ट्स जितने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो उसके इर्द गिर्द जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमेशा आते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मोल सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, ये टॉपिक, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करो। कभी आता है इसमें सबसे ज्यादा किसमें एटम्स हैं या इतने मोल्स हैं तो इसका अमाउंट कितनी है,
ठीक है, इतने मोल्स है तो वॉल्यूम कितना है, इतने मोल्स है तो पार्टिकल्स कितने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप देख लो कितने क्वेश्चंस उठा के। ओके, तो हम यहां तक समझ गए। अब हम देखो नेक्स्ट, इसी में जो सेकंड पॉइंट है कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, थर्ड है, सेकंड पॉइंट है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर समझते हो आप, क्या फॉर्मूला होता है शुगर का, C12H22O11। ये क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज को ही हम क्या बोलते हैं, मेनली शुगर। हालांकि शुगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर शुगर टर्म आता है तो आपको सुक्रोज याद रखना है। ये है हमारा इसका फॉर्मूला। और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 342 ग्राम। कितना होता है, 342 ग्राम। मीन्स 342 ग्राम का ग्राम जो है शुगर का वो एक मोल को बताता है। तो कई बार ऐसा आता है ना कि एक किलोग्राम शुगर का वेट इतना है, तो बताएं कि शुगर के एक मोल का वेट, सॉरी शुगर के एक किलोग्राम का जो रेट है, ठीक है, वो बता देते हैं कि मान लो इतने के रुपए है, तो पूछता है एक मोल की रेट क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो उसके वन मोल को इंडिकेट करता है। उसमें जितने एटम्स हैं उसके सबके वेट को जोड़ दो, आपको एक मोल का वेट पता चल जाएगा। तो अब यहां आते हैं पहले हम। अब आपको देखो यहां पर लिखा है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, तो हमें क्या करना है, पहले हम ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, शुगर के ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम अणु। तो आपने अमाउंट देखी 34, यही होता है ना, पहले मैं फॉर्मूला बता दूं क्या होता है, अमाउंट अपॉन जी एम एम। तो अमाउंट है 34.2 और मॉलिक्यूलर मास इसका है 342। ओके, तो ये कितना आ गया, 0.1 मोल। अब आपको मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है, तो देखो मॉलिक्यूल्स कैसे काउंट करोगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल इनटू अवोगाड्रो नंबर। ग्राम मॉलिक्यूल 1, अवोगाड्रो नंबर हो गया एनए, तो 0.1 एनए। ये हो गए हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। एटम्स कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे आप, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनटू क्या कर देते हैं, एटॉमिसिटी। क्या करते हैं बच्चों, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी तो आप समझते होंगे परमाणविकता, एक अणु में, वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल है 0.1 एनए। शुगर की एटॉमिसिटी देखो आप, इसमें गिनो कुल कितने एटम्स दिख रहे हैं, 12 तो किसके हो गए, 12 ये हो गए, 22 ये हो गए, 11 ये हो गए, इन सबको जोड़ दो आप तो कितने हो गए, 22 12 और 11 5, और ये कितना हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 45। बस इससे मल्टीप्लाई कर, ओके, तो ये आपके नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि सुक्रोज के 34.2 ग्राम में कितने एटम्स हैं। यहां तक समझ गए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अमाउंट है, एटम्स निकालना, एटम्स है, अमाउंट निकालना, ठीक है, मोल्स हैं, किसी कंपाउंड के इतने मोल्स हैं तो अमाउंट कितनी है। तो अगर आप सारे रिलेशंस जानते हैं तो आप बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी रिलेशंस हैं ना उनको एक शॉर्ट में लिख लो और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो सी में आ जाए, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। तो यहां पर देखो कि वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, तो वॉल्यूम कितना है वाटर का, देखो कितना हो जाएगा वाटर का वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये है 1.8 ml, क्या है 1.8 ml। फिर यहां हम लिखेंगे मास ऑफ वाटर, तो आप जानते हैं कि क्या करते हैं हम इसके लिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही करेंगे ना। तो आपको वॉल्यूम है 1.8 ml, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, तो ये होगी 1.8 ग्राम। क्या हो गया, 1.8 ग्राम। अब यहां पर आ जाओ, अब आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स अब आपको अमाउंट पता होगी ना, बिल्कुल उसकी
वाटर की, इतने ग्राम हमारे पास वाटर है, बस अमाउंट पता हो तो ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हो बच्चों? ठीक है, तो अमाउंट हो गए 1.8 ग्राम, ये हो गया 18 ग्राम 0.1 मोल। ओके, बस अब मॉलिक्यूल में चेंज कर दो, तो 0.1 × n एटम्स में चेंज करना है, तो 0.1 × एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है 3, बस ये हो जाएगा आपके पास 0.3 n के। कई बार आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आपको अगर मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो हो गए किसके, दो हाइड्रोजन के, हर एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के कितने हो गए देखो, ऑक्सीजन में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 8, तो ये हो गए किसके, ऑक्सीजन के, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हम यहां लिखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ये तो हो गए किसके, हाइड्रोजन, और 8 ये तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, बस फिर आप मल्टीप्लाई कर दें कि 0.1 × Na × 10 कि ये है हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जस्ट इतने ही प्रोटॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए तो इतने ही प्रोटॉन। बट अगर आपसे कहा जाए न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन तो होता नहीं, केवल ऑक्सीजन के लिए देंगे, तो ये तो आएगा कितना, 8। इस तरह से क्वेश्चन बढ़ाते जाते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में समझता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एट एनटीपी बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6.023 × 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, H2O, या हम ये कहें कि H2 एंड 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, देखो तो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला तो ये होता है कि आप तुरंत सोचो कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एनटीपी पर, आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं या मास दे रखा है या मोल्स दे रखे हैं, तो आपको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था मोलर वॉल्यूम का, क्या रिलेशन था वो हमारा कि 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम है किसी गैस का तो उसका मास एनटीपी पर कितना लेते हैं हम, उसके मोलर मास के बराबर। मींस अगर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल हमारे पास है तो एनटीपी पर उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाएगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। बस इसी वेज पर आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर ये सोचें आप, ठीक है, कि 22 मतलब यहां पर आप इतना ध्यान रखें कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, लीटर में बता रहा हूं, कहां पर, एनटीपी। जब आप क्या ले रहे हैं कंडीशन, एनटीपी, तो ये ध्यान रखते हैं कि 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 22.4 लीटर एनटीपी पर। अब सबसे पहले आप इन जितने भी ये आपको सब्सटेंसेस दिए गए हैं इनके मोल्स में चेंज करके लो, तो यहां पर देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, N2, यही है ना, तो हम मोल्स निकाल लें इसके कितने हैं हमारे पास, तो मोल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.4 / 28। क्या करेंगे आप, 1.4 / 28, तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 0. ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 0.05, 1.4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 28, तो 0.05, तो आपके पास आ गया 0.05 मोल। बस अब आप यहां ऐसा लिखोगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो 0.05 मोल में कितना हुआ, तो 22.4 × 0.05 मोल, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 1.12 लीटर, इतना वॉल्यूम होगा हमारे पास 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर। ये किसमें आया, लीटर में, मैं कहूं एमएल में है कितना होगा, तो 1.12 × 10^3,
बस ये लीटर से ज्यादा ml में आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिखाई देता है कि ऑप्शन क्या है, लीटर में है या वॉल्यूम में है, लीटर में है, ml में है, ये देखना है। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट में देख रखा है कि 6.023 into 10 to the power 21 molecules of H2। ओके, तो यहां पर भी मोल्स में चेंज कर दो आप। मोल्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखो एक रिलेशन बताया था मैंने, पार्टिकल्स अपॉन NA। ओके, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें पता है और हमें मोल्स में चेंज करना है तो हम पार्टिकल्स को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करें, तो हमारे पास आ जाएगा 6.023 10 टू द पावर कितने है देखो 21, और अवोगाद्रो नंबर है 6.023 10 टू द पावर 23, तो ये आ गए 10 टू द पावर -2 मोल। बस फिर ये रिलेशन ले लो आप कि 1 मोल इक्वल टू है 22.4 लीटर, तो 10 टू द पावर -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर -2 लीटर, तो हो जाएगा 0.224 लीटर। तो ये हो जाएगा हमारा इतने पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखें, चाहे मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, अगर हमें मोल्स गैस के पता है तो हमेशा ध्यान रखें 1 मोल का वॉल्यूम यही होता है, एटॉमिसिटी से कोई लेना देना नहीं है कि 1 मोल है अगर उसका तो इतना लीटर होगा, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, इस तरह से। क्यों? क्योंकि सेम टेंपरेचर और प्रेशर, तो सेम मोल ऑफ गैसेस तो हैविंग सेम वॉल्यूम, ये एक रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह से देखो आप। 0.02 क्वेश्चन क्या, अभी सेकंड क्वेश्चन का ही एक तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी दो तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। मोल्स डायरेक्ट ही दे रखते हैं तो कुछ करना ही नहीं है आपको, कोई मोल्स करने नहीं, बस वॉल्यूम चेंज कर लेना कि 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, तो आपके पास है पॉइंट, सॉरी कितना है 0.2 मोल, तो आप लिखेंगे 22.4 × 0.2, बस आंसर आ जाएगा, इतना सा सॉल्यूशन था इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, 16 ग्राम ऑफ आइडियल गैस SOX, कोई आइडियल गैस S मतलब ऑक्सीजन और सल्फर से बनी हुई गैस है। ओके, ये है SOX, दो मिनट, ये है हमारे पास SOX और ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट STP, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गैस। अब क्या रिलेशन लगाओगे, अब तुरंत सोचोगे कि क्या करें हम इस क्वेश्चन को इजी गोइंग सॉल्व कर लें, तो बस मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाओ। आप जानते हैं कि 22.4 लीटर अगर गैस है तो वेट कितना होगा इसका, किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो आप देखेंगे कि अगर हमें यहां पर ये कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ आइडियल गैस का यह 5.6, तो यहां पर देखो आपको दे रखा है कि 5.6 लीटर इज इक्वल टू है 16 ग्राम, क्या दे रखा है 16 ग्राम, तो आपको 22.4 लीटर के करस्पॉन्डिंग मास कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा देखो, 16 अपॉन 5.6 इंटू 22.4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 डिवाइड 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। तो यहां पर अब आपको पता हो गया कि SOX ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है देखो बच्चों, कितना है 64, समझ गए, बस अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे कि 32 प्लस 16 इंटू एक्स is equal to कितना है आपके पास 64, तो 16x is equal to कितना हो जाएगा 34, ये यहां चला जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 2, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा SO2, ये है इसका फॉर्मूला, समझ गए। तो इस तरह से सॉल्व करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन। तो यहां पर आप देखो कि आपको दिया गया है 200 किलोग्राम 95
85% प्योर लाइम स्टोन। अब आपको क्या करना है, तो देखो आप सबसे पहले ये देखोगे कि लाइम स्टोन की अमाउंट, मतलब प्योर लाइम स्टोन, ओके, अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ प्योर, तो हम यहां 95% समझ रहे हो आप कि जो 100 पार्ट है उसमें केवल 95 पार्ट ही प्योर है, तो हम ऐसा लिखेंगे ना 95/100 × 200 किलोग्राम। हम ये देखेंगे कि 200 किलोग्राम जो हमारे पास लाइमस्टोन दे रखा है जिसकी प्योरिटी है 95%, उसमें एक्चुअल में कितना प्योर लाइमस्टोन है, तो ये कितना हो गया आप देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास 190 ग्राम किलोग्राम, कितना हो गया किलोग्राम ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन समझ रहे हो बच्चों क्या है, ये CaCO3। अब आपके पास कुल मिला के जो बिल्कुल शुद्ध CaCO3 है वो है 190 किलोग्राम, किसमें 200 किलोग्राम में, बाकी कचरा है जो भी है इंप्योरिटी है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे CaCO3 = CaO + CO2, ये है हमारे पास लाइम, ये क्या है लाइम स्टोन। तो यहां पर जब इसका 100 ग्राम लेते हैं तब ये मिलता है 56 ग्राम, मींस जब हम ये लेते हैं क्या 100 ग्राम ऑफ प्योर 100% प्योर ऑफ CaCO3 तब मिलता है हमें 56 ग्राम ऑफ CaO, तो आपके पास कितना है 190 किलोग्राम। तो आप देखेंगे 56/100 × 190 किलोग्राम, तो ये आंसर जो आएगा आपका वो किसमें आ जाएगा 56 × 1.9 किलोग्राम ऑफ CaO, बस आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यहां तक मूल कॉन्सेप्ट कि ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना, मैं इनको अच्छी तरह समझाए दे रहा हूं, बहुत इजी गोइंग समझाए दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 गैस ठीक है ली गई एंड 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 लेफ्ट। क्वेश्चन समझ रहे हो आप कि 200 मिलीग्राम CO2 गैस ली गई, ओके, उसमें से 10^21 मॉलिक्यूल निकल के बाहर चले गए, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 लेफ्ट, कितना बचा होगा CO2। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है कि हमें लिखना है CO2 लेफ्ट कितना बचा, तो CO2 इनिशियल कितना था माइनस CO2 रिमूव्ड कितना हो गया, यही करोगे ना, ओके, बस अब आपको CO2 इनिशियल क्या था, CO2 रिमूव्ड कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उसे ग्राम में चेंज कर लेना। देखो सबसे पहले हमें ये देखना होगा CO2 मोल्स ले रहे हम, मोल्स इनिशियल कितने हैं, ठीक है, तो कितना है 3200 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में ले लो, मतलब यहां पर बता दूं मैं ऐसा लिख दूं इनिशियल CO2 तो ये है 200 मिलीग्राम, आप ग्राम में चेंज करोगे तो 10^-3 ग्राम ये हो गया रिमूव, तो यहां पर मोल्स में ले लें तो मोल्स हमारे पास है 200 × 10^-3 / में कितना कर दो आप 44, तो आप देखोगे ये जो मोल्स आ जाएंगे आपके पास 4.54, तो ये रहेंगे 4.54 × 10^-3, ये हमारे पास इनिशियल मोल्स थे। अब हम आ जाते हैं CO2 रिमूव्ड, ओके, ये भी मोल्स में चेंज कर रहे हैं तो 10^ कितना है 21, अब आपका दो नंबर से डिवाइड करते हैं 10^23, जितने पार्टिकल्स हैं उसमें आप अगर दो नंबर से डिवाइड करते हैं तो मोल्स आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 0.166 × 10^-2, ऊपर जाएगा या 1.66 × 10^-3,
ये आपके पास इनिशियल मोल्स थे, ये रिमूव्ड हो गए, तो लेफ्ट कितने हो गए? देखो आप, तो यहां पर हमें लेफ्ट मोल देखने हैं कि क्या बचे हुए, बस वही आंसर हमें सॉल्व करना था। तो हम लिखेंगे CO2 लेफ्ट, मोल्स में आएगा आंसर पहले। देखो तो आपने लिखा 54.54 टेंस टू द पावर -3 -1.66 टेंस टू द पावर -3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.88 इनटू टेंस टू द पावर -3 मोल। बस अब आपको CO2 लेफ्ट ग्राम में चेंज करना है या मिलीग्राम में चेंज करना है, तो 2.88 इनटू 44 इनटू टेंस टू द पावर -3 ग्राम। ओके, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.26। नो, ये आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपके पास 2. ओके, पहले तो ये देखोगे आप 4.54 -1.66 2.88 इनटू 44, तो ये आ जाएगा 126.2 इनटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम। आप चाहें तो इसे मिलीग्राम में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 126.2 मिलीग्राम। इतनी अमाउंट आपके पास लेफ्ट बची। समझ गए अब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से, कितना लिया गया, कितना रिमूव हो गया, क्या बचा, यही तो सॉल्व करना था। बस इसमें आपको देखना तीनों कॉन्सेप्ट लग गए, मोल्स के पार्टिकल्स के बेस पर भी मोल्स पी के निकालना, और इसके बाद आपने देखा मॉलिकुलर मास के बेस पर भी मोल्स निकालना, और फिर इसके बाद आपने कैलकुलेशन की है, तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट भी थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी है बहुत ईजी, कि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 इज 38.3। समझ गए बच्चों, ये कह रहा है कि जो NO2 गैस है और N2O4 गैस है, उस मिक्सचर उन दोनों को मिला दिया गया है, तो उस गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है 38.3 @27। कैलकुलेट द मोल ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। एक तो ये है क्वेश्चन और एक दूसरा है एंड इन 100 मोल्स ऑफ मिक्सचर, दोनों में अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां पर वेपर डेंसिटी का क्या यूज है, सबसे पहले तो आप ये समझोगे, तो वेपर डेंसिटी से आप पहले मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। देखो तो मिक्सचर वेपर डेंसिटी है आपके पास 38.3, तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा, देखो तो आप क्या लिखोगे 38.3 इंटू 2, तो ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 76.6, कितना हो गया 76.6। यहां तक तो ये तो हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेपर डेंसिटी में कि कितना हमें मोल्स निकालने हैं NO2 इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। हम ये मान लें कि NO2 अमाउंट इन मिक्सचर, ओके, वो कितनी है 8, तो N2O4 की कितनी हो जाएगी 100 - 8, यही करोगे ना, कि NO2 की जो अमाउंट है मिक्सचर में सपोज ए है, तो N2O4 की होगी 100 - 8। तो आप ऐसे लिखोगे कि मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ मिक्सचर। ओके, कि आपके पास मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना हो गया, तो ये इस तरह से, तो देखो इसके मोल्स हो जाएंगे NO2 है तो उसकी अमाउंट अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा NO2 का, देखो ये हो गया 32 और ये हो गया 14, तो ये हो गया 46 प्लस NO2 का डबल है, तो यहां पर हो जाएगा 100 - 8 अपॉन इसका कितना हो जाएगा 92, और यहां पर हमें मिक्सचर का 100 ग्राम है और उसका मोलर मास पता है 76.6। इससे ना ए कैलकुलेट कर लोगे, क्या कैलकुलेट करना है आपको, ए, और जब आप ए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रही है 20.10, तो ये आ गया आपके पास ए का वैल्यू। बस अब आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 20.10 अपॉन में 46, यही हमें कैलकुलेट करना था, किसमें, जब आपको मिक्सचर दिया गया था 100 ग्राम। अब उसी में
दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो फिर तू समझ गए ना, पहले वेपर डेंसिटी से मोलर मास निकाल लिया, NO2 की मिक्सचर में अमाउंट हो गई ए, तो NO2O4 की कितनी हो गई 100 माइनस ए, फिर आप जानते हैं कि मिक्सचर के टोटल मोल्स इक्वल टू ऑल कंपोनेंट्स मोल, तो NO2 के मोल्स प्लस N2O4 के मोल्स इक्वल टू मोल्स ऑफ मिक्सचर ए अपॉन 46, ये 100 माइनस ए अपॉन 92, तो ये हो गया 100 माइनस अपॉन 76.6, इससे ए कैलकुलेट कर लिया और आंसर आ गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में है कि 100 मोल्स ऑफ मिक्सचर में क्या, कि आपको ये कह रहा है कि 100 मोल्स ऑफ मिक्सचर है तो फिर क्या होगा, तो बस पहले तो आप वही रिलेशन लगाओगे कि आपको मोलर मास तो पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर अभी मैंने आपको यही पेपर डेंसिटी थी हमारी, ठीक है, तो ये था हमारे पास 76.6। अब यहां पर देखो आप फिर से यहां लिखोगे मोल्स, यहां पर हो जाएगा मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4 इक्वल टू मोल्स ऑफ मिक्सचर। ओके, तो मोल्स आपके पास 100 है, या हम यहां पर ले लें ये हो जाएगी अमाउंट ऑफ NO2 प्लस अमाउंट ऑफ N2O4 इक्वल टू ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर का मोल्स तो आपको दे रखा है, इसमें 76.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्राम में है, इसके मोल्स क्या होंगे, तो सपोज हम यहां ये मान लें NO2 मोल्स कितने हैं x, तो N2O4 के मोल्स हो जाएंगे 100 माइनस क्या x, तो हम यहां लिखेंगे कि मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, यही करेंगे ना बच्चों कि मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास प्लस मोल्स, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये किसका हो जाएगा NO2, तो ये किसका हो गया N2O4, तो ये हो जाएगा ये, तो हम यहां लिखेंगे क्या x इनटू 46 प्लस 100 माइनस x इनटू 92 इक्वल टू 76 इनटू 100। अब यहां पर जो आएगा ये मोल्स हो जाएंगे किसके NO2, जो सॉल्व करने से ये आ जाएंगे 33.4 मोल्स इस तरह, तो 33.4 मोल्स। तो यहां तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको मोल्स कैलकुलेट करने थे, यहां उसकी सॉरी उस वहां पर भी मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो पहले आपने अमाउंट कैलकुलेट की थी और यहां पर आपको अमाउंट जो मोल्स है इनके मिक्सचर के मोल्स है उनके बेस पर आपने यहां पर इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए और फिर अमाउंट में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहां पर आप देखोगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज पास्ड थ्रू रेड, ठीक है, और चारकोल इन ट्यूब, द न्यू वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ CO एंड CO2 मिक्सचर। क्वेश्चन में समझ रहे बच्चों कि वही कह रहा है कि 1 लीटर गैसियस मिक्सचर है CO और किसका CO2 का, ठीक है, मिक्सचर रखा है उसको किसमें पास किया गया, रेड हॉट कोल चारकोल में, तो जब रेड हॉट चारकोल में पास किया गया तो वो कह रहा है कि अब जब गैस बाहर निकली तो उसका वॉल्यूम हो गया 1.4 लीटर, तो पूछ रहा है कि इसमें सी और सीओ टू कितना होगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम ये मान लें कि सीओ वॉल्यूम कितना है ए और सीओ टू का वॉल्यूम कितना मान लें बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 लीटर इनिशियल। ओके, ऐसा कि जब गैस का मिक्सचर जो है इनिशियल मिक्सचर जो है वो ये है कि ए और बी मिलके दोनों क्या है हमारे पास ये यहां पर CO और CO2 का टोटल मिक्सचर है 1 लीटर। अब हमें ये नहीं पता कि इस मिक्सचर में कितना लीटर CO2 है और कितना लीटर CO है, तो वो पूछ रहा है कि 1 लीटर इस मिक्सचर में कितना CO रहा होगा और कितना CO2 रहा होगा। अब देखो रिएक्शन में अब हम जब देखते हैं कि मिक्सचर जो है मिक्सचर पास्ट कहां किया गया, पास्ट इन रेड हॉट चारकोल। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, देखो बच्चों कि जो ए सीओ है सीओ प्लस सी तो नो रिएक्शन, क्या होगी नो रिएक्शन, ये ए है, लेकिन जो सीओ टू है वो कार्बन से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है सीओ टू सीओ बन जाएगा, तो ये बी था तो ये कितना हो गया 2B,
कि सीओ जो था वो कोक से कोई रिएक्शन नहीं करता, चारकोल से कोई रिएक्शन नहीं करता, तो उसका वॉल्यूम तो जो पास करेंगे गैस, जब बाहर निकलेगी गैस रेड हॉट चारकोल के पास होने के बाद, तो उसमें तो सीओ का वही बना रहेगा ए लीटर, बट सीओ टू देखो टोटली कन्वर्टेड इनटू सीओ। तो यहां पर ये कह रहा है कि ए प्लस टू बी इक्वल टू 1.4 कि जब गैस बाहर निकली रेड हॉट चारकोल से रिएक्ट होके तो उसका वॉल्यूम हो गया 1.4। तो अब आपको दे रखा है ए प्लस टू बी इक्वल टू 1.4 और ए प्लस बी इक्वल टू 1.0। सॉल्व कर लो, अब मैं समझता हूं आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आ जाएगा तो बी इक्वल टू कितना आ गया देखो पॉइंट, इसके प्रोसेसर ये आ जाएगा आपके पास 1.4 था तो 0.4। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपके पास बी निकला ठीक है वो हो गया 0.4 और ए कितना हो जाएगा, तो यहां पर ए और बी का तो ए प्लस बी इक्वल टू है 1, तो ए तो है आपके ए कैलकुलेट करना है 0.4 इक्वल टू 1 तो ए इक्वल टू हो गया 0.6। बस अब आपको परसेंट ये पता हो गया, तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें कि सीओ का परसेंट कितना था, तो ए कौन है यहां पर देखो सीओ, बी कौन है CO2, तो सीओ का परसेंटेज ए अपॉन ठीक है ए प्लस बी इंटू 100। तो आपके पास ए है 0.6, ये था 1 और ये है, तो ये था 60%, तो बराबर 40%। तो समझ गए ना कि यहां पर हमारे पास जो ए है और बी है, तो बी क्या है यहां पर CO2, तो मिक्सचर में CO2 कितना है 0.4 लीटर और ए जो CO है वो कितना है 0.6 लीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बहुत ही समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो आप और फिर इसको सॉल्व करना है बहुत इजी। ये कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कोक, द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर, फाइंड कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां देखो बच्चों CO2 इनिशियल था कितना 1 लीटर, ओके हमारे पास CO2 कितना था 1 लीटर। अब हम ये माने कि ये है CO2 और प्लस C, इनकी रिएक्शन से क्या बन गया 2CO, क्या बन जाएगा 2CO, ये था हमारे पास 1 लीटर, ये जीरो, अभी हम ये जीरो यहां 1 माइनस x करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x, कि ये था 1 लीटर जब कोक से कोई रिएक्शन नहीं, कोई सीओ नहीं बना, इसमें से एक्स मोल या एक्स लीटर जो है, एक्स लीटर ले लें, अगर हम इसे 1 मोल मान लें तो ये एक्स मोल हो गया, ये 1 लीटर था, तो 1 लीटर जो CO2 था उसमें से एक्स लीटर CO2 सीओ में चेंज हो गया, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो एक्स में ऐसा मल्टीप्लाई करना 1 माइनस x प्लस 2x इक्वल टू ये आ रहा है 1.4। तो यहां तक बात समझ गया, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 1.4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4। बस अब आप समझ गए कि आपके पास अगर CO कितना है, CO2 मिक्सचर है, अब हम आ जाते हैं कि मिक्सचर में इन मिक्सचर ठीक है CO2 कितना है, तो 1 माइनस 0.4 तो हो गया 0.6 लीटर, CO कितना है 2x तो 2 × 0.4 तो ये कितना हो गया 8, वही हो गया 0.8 लीटर। तो इस तरह से ये दोनों मिले तो 1.4 लीटर। ये क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए आप। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, ओके तो यहां तक नोट करना।